السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اصول فقه سے متعلق हमारे दरूस का सिलसिला जारी है जिसका है आइए उसक सीखें नाजरेन कराम इससे पहले वाले दर्श में हम महकूम फी या मुक़ल्लफ़ बिही की तक़सीमात के सिलसिले में बात कर रहे थे और हमने महकूम फी या मुक़ल्लफ़ बिही को दो एतबार से तकसीम किया पहला ज़ात के एतबार से और उसे हमने चार किस्मों में तकसीम किया पहली किस्म है अलफ़ेल सरीह और दूसरी किस्म है फेलिसान तीसरी किस्म है तर्क और चौथी किस्म है मुसम्मम उसके बाद हम महकूम फी या मुकल्फ बही के दूसरी तकसीम में दाखिल हुए और हमने ये जो दूसरा एतबार है बेतबार मई उदाफ यानी वो जो फ़ेल है या महकूम फ़ी है उसका ताल्लुक किससे है इस एतबार से उसकी चार किस्में बनती हैं पहली किस्म वो महकूम फी जिसका ताल्लुक अल्लाह आलमीन के हकूक़ से है जैसे नमाज रोज़ा हज वो इबादात या वो सारे अहकाम जिनका ताल्लुक खालिस अल्लाह रब्लमीन के हक़ से है और जिसका ताल्लुक अल्लाह आलमीन से है जिस फेल का ताल्लुक वो कभी साकित नहीं किया जा सकता किसी के लिए जायज नहीं है कि उसको साकित करे दूसरी जो किस्म है आ, वो किस्म है हक्कुल उब्द वो महकूम फी जिसका ताल्लुक खालिस बंदों के हकूक से है खालिस बंदों के हकूक से है उसमें हक्ल्लाह शामिल नहीं है जिसको कि हम दूसरी ताबीर में खास भी कहते हैं जब खास कहा जाए तो इससे जो है हकुल अब्द मुराद होता है जैसे कर्ज कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कर्ज देता है अब जो देने वाला है ये उसका खालिस उसका हक है इसी तरह से जैसे दियत है कत्ल के बाब में दियत है दियत ये हकुल अब्द है इसी तरह जितने भी माली हुकूक हैं जितने भी माली हुकूक हैं वो सब हकूकुल इबाद हैं तो अगर महकूम फी का ताल्लुक हकूकुल इबाद से हो तो इसका हुक्म ये है कि जिसका हक वो है वो जब चाहे उसको साकित कर सकता है आपने किसी को कर्ज दिया है तो जाहिर है उसके ऊपर कर्ज को वापस करना यह वाजिब है लेकिन वहीं पर आपके लिए ये दुरुस्त है आपको ये हक है कि आप अपना वो कर्ज माफ कर दें यानी गोया कि आपने अगर वो कर्ज माफ कर दिया तो अब उसके ऊपर वो जो कर्ज की अदायगी का वजूब था वो वजूब साकित हो गया तो जो हुकूकुल इबाद हैं इनका ताल्लुक जिन लोगों से भी है वो लोग जब चाहें उससे तनाजुल इख्तियार कर सकते हैं और उसको साकित कर सकते हैं उसे माफ कर सकते हैं तो ये दूसरी किस्म हुई तीसरी किस्म महकूफी की वो है कि जिसके अंदर दोनों तरह के हकूक जमा हो जाएं, यानी हक्ल्लाह और हक्क अब्द दोनों जमा हो जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक गालिब हो हक तो उसके अंदर दोनों जमा है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक का पहलू ये गालिब हो जैसे मिसाल के तौर पर हद्दुल हदफ है यानी बहुत तराशी पर सजा है अगर कोई किसी पर झूठा बहुतान लगाता है का और साबित नहीं कर पाता है तो उसे उस पर परद्दुल्कुल्क है तो जो है है ये अल्लाह का भी हक है और बंदे का भी हक है बंदे का हक इसलिए है कि जिस पर बुहतान लगाया गया है उसकी इज्जत उछाली गई है और अल्लाह रबालमीन का हक इसलिए है कि इसका ताल्लुक एक ऐसे जुर्म से है कि अगर यह समाज और मुआरे के अंदर आम हो गया तो बुराई आम हो जाएगी यानी आम समाज और इससे मुतासर होगा तो इस एतबार से इसका ताल्लुक से है और हकूक आम्मा का ताल्लुक हक्कुल्लाह से होता है तो इसके अंदर दोनों हकूक जमा हैं। लेकिन जो हक्कुल्लाह है वो गालिब है जैसे जिस पर इल्जाम या बहुत लगाया गया है वो एक फर्द है लेकिन अगर उसको माफ कर दिया गया तो वो दूसरों पर इल्जाम लगाता फिरेगा और ये एक फितने की शक्ल इख्तियार कर लेगा जिसकी बुराई पूरे समाज में फैल जाएगी तो इस एतबार से ये पहलू गालिब है लिहाजा उलमा ने कहा है कि इसमें हक के आम जो है वो गालिब है अल्लाह आलमीन का हक गालिब है तो ये दूसरी किस्म हुई कि वो महकूम फी जिसके अंदर हक्क़ुल्लाह और हक्लाब्द दोनों जमा हो जाए लेकिन हक्कुल्लाह का पहलू गालिब हो इसका क्या हुक्म है जिस महकूम फी के अंदर दोनों हकूक जमा हो जाए हक्कुल्लाह और हक्कुल्बद लेकिन अल्लाह आलमीन का हक अगर उसमें गालिब है तो किसी के लिए जायज़ नहीं है कि उस हक को साकित कर सके किसी के लिए जायज़ नहीं है तो हद्दुल्क जो हद्दुल्कफ है बहुतान तराशी की जो हद है अगर जिस पर बहुतान लगाया गया है वो चाहे कि मैं इसको माफ कर दूं तो नहीं माफ कर सकता वो चाहे कि इसको माफ कर दूं तो वो माफ नहीं कर सकता वो मामला जब सामने आ गया तो उस पर हद जारी की जाएगी क्योंकि यहां पर हक आम या हकुल्ला गालिब है चौथी किस्म है मजतम आफ़ी है व हक वक्ब्द फ़ी है अगलब कि वो महकूम फ़ी जिसके अंदर हक्ल्लाह और हक्लब्द दोनों जमा हो जाए लेकिन हक्लब्द ये गालिब हो हक्लब्दालिब हो मिसाल के तौर पर कैसास है अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे मासूम इंसान को जान बूझ करके कत्ल कर दिया तो इसका हुक्म यह है कि किसास लिया जाएगा इसके अंदर दोनों हुकूक जमा हैं हको आ, अल अब्द इस एतबार से है कि उसने उस इंसान को कत्ल किया है उसका हक मारा है तो इस एतबार से यह उसका हक है और हकुल्लाह इस एतबार से है कि जिस इंसान ने किसी मासूम को कत्ल किया है देखा जाए तो एक एतबार से समाज और मुआशरे के अंदर जो अमनो अमान का माहौल था उस अमन अमान के माहौल को एक आम माहौल को उसने खराब किया है तो इस एतबार से इसके अंदर हक्कुल्लाह भी है लेकिन हकुल अब्द जो है वो गालिब है हक्क अब्द इसके अंदर हक्कुल्लाह पर गालिब है इसीलिए अगर कोई इंसान कत्ल किया गया है तो मकतूल के वसा को ये हक है कि वो कैसास को माफ़ कर दें वो कैसास को माफ़ कर दें और दियत लें और चाहें तो दियत को भी माफ़ कर दें कुछ भी ना लें क्योंकि यहाँ पर हकुल अब्द जो है ये गालिब है यानी उस फेल का ताल्लुक या महकूम फी का ताल्लुक जिससे है इस ताल्लुक़ के अतबार से उसकी चार किस्में बनती हैं पहली किस्म हक्ला दूसरी किस्म अब्द तीसरी किस्म जिसमें हकुल्लाह और हकुल अब्द दोनों जमा हो जाए लेकिन हकुल्लाह ये गालिब हो और चौथी किस्म हो जिसमें हकुल्लाह और हकुल अब्द दोनों जमा हो लेकिन हकुल अब्द ये गालिब हो हकुल्लाह और हकुल अब्द के दरमियान फ़र्क करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जितनी भी इबादात हैं वो सब हुकूकुल्लाह हैं जितनी भी इबादात हैं वो सब हुकूकुल्लाह हैं इसी तरह से जो हकूक आमा हैं जो हकूक आमा हैं किसी खास इंसान के साथ खास नहीं है वो सब हकुल्ला हैं और वो हकूक जो कुछ बंदों के साथ खास हैं, वो हकूक जिनका ताल्लुक डायरेक्ट बंदों से है उसका फायदा नफा नुकसान उस बंदे को मिलना है तो इसको हकूकुल इबाद कहा जाता है तो ये जो चारों अकसाम हैं, जो पहली किस्म है हकुल्लाह उसको साकित नहीं किया जा सकता जो हक उलब है जिसका हक है वो उसको साकित कर सकता है और जिसमें दोनों हुकूक जमा हो और अल्लाह ताला का हक गालिब हो उसको भी साकित नहीं किया जा सकता है और जिसमें, और है। और जिसमें आ, दोनों हुकूक जमा हो लेकिन बंदों का हक ये गालिब हो तो उसमें जिन लोगों का वो हक है वो उसको साकित कर सकते हैं तो ये महकूम फ़ी या मकल्फ बिही के अकसाम हुए दो एतबार से हमने उसकी तकसीम की और कदर तफसील के साथ दोनों पर गुफ्तु की इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर तीसरे नुकते पर आते हैं तीसरा नुकता जो है हाकििम और महकूम फी के बाद तीसरा नुकता है महकूम आले महकूम आल कौन है महकूम आले जिसको हम बार बार मुकल्फ़ कहते आ रहे हैं मुकल्फ यानि वो इंसान जिसको उस काम के करने का मुकल्लफ बनाया गया है वो काम जिसके सुपुर्द किया गया है कि आपको इस काम को करना है इस हुक्म पर अमल करना है उसको महकूम अल कहते हैं जिसको मुकल्लफ की ताबीर से भी हम बार बार जिक्र करते हैं किसी काम का किसी इंसान को मुकल्लफ करने के लिए या किसी काम कहने के बजाय हम शर्य अहकाम कहते हैं शरी अहकाम का किसी इंसान को मुकलफ करने के लिए दो शर्तें हैं किसी इंसान को किसी शरय हुक्म का मुकलफ उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक उस इंसान के अंदर दो शर्तें ना पाई जाएं पहली शर्त है अल अलअल दूसरी शर्त है अल अलबलूग यानी वो इंसान आकिल हो समझदार हो समझता हो वो चीजों के दरमियान तमीज कर पा रहा हो ऐसा ना हो कि वो पागल हो उसका दिमाग काम कर रहा हो और दूसरी शर्त यह है कि वो बालिग हो देखिए दरअसल जो तकालीफ शर्या है उन तकालीफ शर्या के लिए बुनियादी शर्त जो है वो अकल ही है लेकिन अकल एक ऐसी चीज है जिसका हम कोई मेयार नहीं बना सकते जो दिखने वाली चीज नहीं है कि वो चीज हमें दिख जाए इसीलिए शरीयत ने जो ये दूसरी कैद लगाई है बलूक की क्योंकि बलूक या बालिग होना ये ऐसी चीज है जिसका इतराक हम कर सकते हैं जो हमारे सामने जो चीज दिखती है कि अब ये इंसान बालिग हो गया तो अक्ल के मेयार को तय करने के लिए शरीयत ने दूसरी कैद लगाई बलूक की क्योंकि अक्ल एक मख्फी चीज है उसकी अलामत है बुलूग। आम तौर से इंसान बालिग होने के बाद आकिल हो ही जाता है तो इसलिए ये दो शर्तें हैं किसी इंसान के किसी फेल का मुकलफ होने के लिए शरीयत के अंदर दो शर्तें हैं अल-आक़िल वल अल बलूग तो इंसान उस वक्त तक मुकलफ नहीं होगा किसी शरीय हुक्म का मुकम्मल तौर से जब तक उसके अंदर ये दोनों शर्तें ना पाई जाएं पहली शर्त ये कि वह अक्लमंद हो आक़िल हो दूसरी शर्त कि वह बालिग हो इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मारूफ हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रुफ़ अलमलासा अनिल मजनून अलमलूब अकलीफ़ीक़ वन हत्ता इमक़ व अन सबी हत्ता यहम की तीन तरह के लोग मरफूल कलम हैं मरफूल कलम है यानी वो मसूल नहीं है मुकलफ नहीं है तकालीफ उनसे साकित हैं। पहला मजनून पागल इंसान जिस जो पागल हो गया हो और पागल उसको आमतौर से कहते हैं जिसके पास पहले अकल रही हो हालांकि अगर शुरू से ही कोई इंसान पागल हो तो उस पर भी इतलाक होता है लेकिन आमतौर से जुनून ये तारी होता है और दूसरा वो इंसान जो सोया हुआ हो क्योंकि जो सोया हुआ इंसान होता है वो भी समझता नहीं है और तीसरा बच्चा यहाँ तक कि फिर वो बालिग हो जाए सोया हुआ इंसान यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए बच्चा यहाँ तक कि बालिग हो जाए आप देखिए ये जो तीन चीजें जिक्र की गई हैं इन तीनों चीजों में अगर हम गौर करेंगे तो अक्ल ही मेार है क्योंकि जो मजनून होता है उसके पास अक्ल नहीं है इसी तरह जो सोया हुआ होता है उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता है जो बच्चा है उसके पास भी अक्ल नहीं होती है तो इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो तकालीफ शर्या हैं असल उनका इर्तबात अक्ल से है और ये जो बलूग है बलूग को इसलिए रखा गया है शर्त में कि आ ये एक तरह से अलामत है अमूमी तौर से ये अलामत है गर्चे बाज हालात में बालि होने के बावजूद भी इंसान आकिल ना हो लेकिन तौर से बलूक ये अक्ल के मुकम्मल होने की आमतौर से अलामत होती है तो असल जो है इरतबाज तकालीफ शरिया का अकल से है क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा है जो शरीयत के खिताब को समझ ही नहीं रहा है तो हम उसे मुकलफ कैसे बना सकते हैं अगर किसी नासमझ इंसान को किसी काम करने का मुकल्लफ बनाया जाए यहां तक कि दुनियावी एतबार से भी तो इंसानी अक्ल इसको तस्लीम नहीं करेगी कि किसी नासमझ इंसान को किसी ऐसे काम का मुकलब बनाया जाए जिसको वो समझ ही नहीं रहा है तो जब ये हम इंसान आपस के मामला में ऐसा नहीं कर सकते तो शरीयत ऐसा कैसे कर सकती है लिहाजा किसी आ, हुक्मे का मुक़ल्लफ़ होने के लिए इंसान का आकिल होना शर्त है और आम तौर से इंसान आकिल उसी वक्त होता है जब वो बलूकत को पहुंच जाए ये जो अकल और बलूक का मसला है मुकल्लफ होने के लिए आ, उसूलियों के यहां आप इसी मसले को अदा के नाम से पाएंगे कि जब एक इंसान उस मरहले को पहुंच गया जहां पर कि उसको मुक़ल्लफ किया जा सकता है तो अब उसके अंदर अहलियत अदा की अहलियत पाई गई तो जब एक इंसान के अंदर मुकम्मल तौर से अदा पाई जाएगी उसी वक्त किसी इंसान को किसी शरय हुक्म का मुक़ल्लफ माना जाएगा ये जो अहलियत अदा का मैंने जिक्र किया तो अहलियत की दो किस्में हैं ये जो अहलियतुल अदा की हमने बात की तो अहलियत की दरअसल दो किस्में हैं उन दोनों अकसाम की जो जरूरी तफसीला हैं उनको हम जान लेते हैं अहलियत का जो लघवी माना होता है जब हम अहलियत बोलते हैं अरबी जबान में तो उर्दू में आमतौर से हम कहते हैं सलाहियत किसी इंसान के अंदर फला चीज की सलाहियत है तो उसको अरबी में अहलियत बोलते हैं उर्दू में भी मेरे ख्याल से अहलियत की इतला ये मुस्तमल है तो अहलियत की जो है बुनियादी तौर से दो किस्में हैं एक है अहलियतुल अहलियतुल अहलीतुलजूब और दूसरी किस्म है अहलियतुल अदा ठीक है अहलीतुल्जूब अहली उजूब किसको कहते हैं उजूब का मतलब है कि कोई इंसान इस मरहले में पहुंच गया है कि अब उसके लिए हकूक साबित हो सकते हैं और उसके ऊपर भी हकूक साबित हो सकते हैं यानी उसके लिए और उसके ऊपर दोनों तरह के हकूक साबित होने का अब वो अहल हो चुका है फिर से मैं रिपीट करता हूं हलीजूब का मतलब यह है कि कोई इंसान ऐसे मरहले में हो कि जब उसके लिए उसके अपने हक में हुकूक साबित हो सकते हो और उसके ऊपर भी बाज हुकूक साबित हो सकते हो और फिर अहलीतुलजूब की दो किस्में हैं पहली किस्म है अहलीतुल्जूब की अहलीतुलजूब अन्ना अहलियतुल आहलीतुलजूब अन्ना किसा और दूसरी किस्म है अहलियतुल उजूब अल कामिला अहलियतुल उजूब की दो किस्में हमने कहा कि अहलियतुल उजूब का मतलब यह है कोई इंसान ऐसे मरहले में है कि अब उसके लिए हुकूक साबित हो सकते हैं और उसके ऊपर भी हुकूक साबित हो सकते हैं उसके बाद अहलीतुलजूब अन्नाकिसा और काम कामिला में हमने इसको तकसीम किया अन्नाकिसा का मतलब यह है कि इंसान ऐसे मरहले में है कि उसके लिए तो हकूक साबित हो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर किसी का किसी किस्म का कोई हक हाँ साबित नहीं हो सकता यह अहलीतुलजूब अननाकिसा का मतलब है और अहलियतलजूब अलका का मतलब है कि उसके लिए भी हकूक साबित हो सकते हैं और उसके ऊपर भी हकूक साबित हो सकते हैं ये अल कामिला का मतलब है उसके बाद अहलियतुल अदा का मतलब समझते हैं अहलियतुल अदा का मतलब यह है कि इंसान ऐसे मरहले में पहुंच चुका है कि अब वो जो काम कर रहा है उस काम को मोतबर माना जाए उसके जो तसरुफात हैं चाहे वो इबादत कर रहा हो या लोगों के साथ कोई मामला कर रहा हो उसकी इबादत मतबर हो सही मानी जाए उसके जो तसरुफात और मामलात हैं उनको सही माना जाए मुतबर माना जाए शरीयत की निगाह में देखिए अहलीतलूब के अंदर हमने कोई काम करने की बात नहीं की हमने वहां पर ये बात की कि उसके लिए हकूक साबित हो रहे हैं और उसके ऊपर बाजूक़ साबित हो रहे हैं लेकिन अदा में हमने कहा कि जब वो कोई काम करे तो उसका काम चाहे वो इबादत हो या मुआमलात हो वो काम मोतबर ठहरे कि हाँ ये जो काम इसने किया है ये मोतबर माना जाएगा और ये शुमार में लिया जाएगा ये सही माना जाएगा जब इस मरहले में इंसान पहुंच जाए तो हम कहेंगे अब उस इंसान के अंदर अदा पाई गई अहलियतुल अदा की भी दो किस्में हैं अहलियतुलजूब की तरह से ही इसकी पहली किस्म है अदा अहलियतुलदाकसा और दूसरी किस्म है इसकी अल कामिला, अदा अल कामिला। यह मसला आम तौर से बहुत सारे तलबा के यहां पेचीदगी का बाइस बनता है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मसले को थोड़ा गौर से सुने और इंशाला हम उम्मीद करते हैं कि मसला वाजे होगा अहलियतुल अदा की भी दो किस्में हैं अहलियतुल 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 अदा 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 अल कामिला। का मतलब यह है कि वो इंसान ऐसे मरहले में है कि अब उसके बाद काम का तो एतबार होगा लेकिन सारे कामों का एतबार नहीं होगा उसके सारे काम ऐसे नहीं हैं जो मोतबर माने जाएं, लेकिन बाज काम ऐसे हैं जिसका शरीयत ने एतबार किया है अभी हम उसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह तो यानी मुकम्मल तौर से अभी उसकी अंदर अहलियत नहीं आई है लेकिन इतनी अहलियत आ गई है कि बाज उसके तसर्रुफात का एतबार किया जाए और अहलियतुल अदा अल कामिला का मतलब अब उसके अंदर मुकम्मल अहलियत आ गई है उसके तमाम काम चाहे इबादात हो या मामलात हों हर तरह के तसर्रुफ का अब एतबार मुकम्मल तौर से किया जाएगा तो ये अहलियतुल अदा अल कामिला है और इसी को हमने ताबीर किया है कि अब उसके अंदर अकल आ गई और बलूक आ गया तो गोया की कि किसी इंसान के अंदर अहलियत अलका उस वक्त माना जाएगा जब वो इंसान आकिल हो और बालिग हो बलूक को पहुंच जाने के बाद उसकी अकल मुकम्मल हो जाने के बाद हम कहेंगे कि उसके अंदर अहलियतुल अल कामिला है और किसी इंसान को किसी शर्यम का उसी वक्त मुकल्फ बनाया जाएगा जब उसके अंदर अहलीत अदा कामिला पाया जाए तो गोया की तकालीफ शर्या का मकलफ बनाने के लिए जरूरी है कि किसी इंसान के अंदर

वाजह करने की कोशिश करेंगे आज का दर्स हम यहीं पर रोकते हैं अल्लाह रब्आमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्लम हमें हर तरह के इलमे से नवाजे और अल्लाह रब्लम हमें आमाले साह की तो फरमाए वह आखिर रबालमीन ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें इस नंबर पर कॉल करें